दोस्तों, इस वीडियो में हम HIL इंडिया लिमिटेड की एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले कि क्या कैसे आप इसका फॉर्म भर सकते हो और क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो शुरू करेंगे आज का वीडियो। दोस्तों, इस चैनल में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे हम देखने वाले फाइनेंस और अकाउंट रिलेटेड एग्ज़ाम के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पास्ट ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखने वाले हैं इस चैनल को, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही हम क्या देखने वाले कि जो भी नई एडवर्टाइजमेंट आती है उसके आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी इस चैनल पे। तो आपको क्या करना है, तो सिर्फ चैनल पे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन को दबाना है, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगी। तो आइए, आज का इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, HIL इंडिया लिमिटेड की आई हुई वैकेंसी के बारे में जानने वाले हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए है, कैसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है जनरल मैनेजर फाइनेंस ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसकी एक वैकेंसी है और ये E6 लेवल ऑफ पेमेंट है। E6 यानी कि आपको 36,600 और 3% इंक्रीमेंट के साथ आपको बेसिक पे देखने को मिलेगा। दूसरी जो पोस्ट है वो है फाइनेंस मैनेजर ऑन रेगुलर बेसिस, E4 लेवल है इसका और इसकी भी एक वैकेंसी है। ये सारी जो वैकेंसी है ये जनरल कास्ट के लिए है। उसके बाद जो वैकेंसी है वो मार्केटिंग ऑफिसर की है, कोऑर्डिनेशन ऑन फिक्स टर्म बेसिस, ऑफिसर अकाउंट ऑन फिक्स टर्म बेसिस। अब फिक्स टर्म बेसिस है तो ये E1 लेवल का है, जो कि फर्दर 2 ईयर के लिए एक्सपांड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो इसका जो बेसिक पे रहेगा वो है 16,400 प्लस 3% इंक्रीमेंट हर साल देखने को मिलेगी, ये बेसिक पे है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है CA, ICWA, MBA फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन लाइन एग्जीक्यूटिव वर्क एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस इन SAP विल बी प्रिफर्ड, ये जनरल क्राइटेरिया दे रखा है। इसके साथ ही डिप्टी मैनेजर HR एंड एडमिट फिक्स टर्म तैनवे बेसिस पे ये मिली है, और ये जो है रसायनी यूनिट पे वैकेंसी आई है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी देखने को मिल रही है। आपको करना क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आपको इसको अप्लाई आप कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना है और आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अगर इसको अप्लाई करते हो तो आपको पढ़ना कहाँ से रहेगा। तो हमने पास्ट ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन डाल के रखे हैं, लगभग 200 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, और आने वाले समय में और क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो भी हम क्वेश्चन डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगी। तो आइए देखते हैं कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। पहला, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी फॉर्म है वो आपको फॉर्म फिलअप करना है, पूरी आपकी डिटेल फिलअप करनी है। और तीसरा जो काम करना है वो है पास्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पास्ट पेपर को पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास्ट पेपर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिवाइज होते हैं और आप कम समय में ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो ये करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।